आपका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में और हम पहुंच चुके हैं उदयपुर। कैसे आए पूछ मत पूछो हमसे, लेकिन हम उदयपुर पहुंच गए और सेफ पहुंच गए। हमारी सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि कैसे पहुँचे कैसे निकलते, लेकिन सेफ नहीं हुआ करूँगा मैं कि हुआ क्या था क्या नहीं हुआ हमारे, लेकिन ये है पहुँचे हैं बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं हमारे जैसे तैसे करके। बाकी भाई उदयपुर घूमने का मन भी था और मैंने आपको बोला भी था, अभी मैंने उदयपुर घूमने का बोला भी था लेकिन उन्होंने टिकट वहीं से ली थी लेकिन हम यहाँ पहुँच गए। अब घूमते हैं उदयपुर, अभी खाना खाएंगे, रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं। बाकी विशाल बोल रहा है अभी 2 घंटे लगेंगे, तो इससे 2 घंटे में तो हम उदयपुर काफ़ी जो यहाँ आसपास की जगह है वो घूम लेंगे। तो पहले खाना खा के फिर बताता हूँ आपको आगे। भाई फिलहाल आ चुका है अपना खाना, मिक्स वेज छोले दाल सैलेड रायता। क्या हुआ? अच्छा भाई खाना खा लेते हैं, पहले बहुत ज़्यादा भूख लग गई है दोनों को, ये बुखार तो खाने लग गया, मैं भी खा लेता हूँ। भाई फिलहाल खा लिया है खाना, तब तक भी उदयपुर आप आओ तो ये छोटा रेस्टोरेंट है लेकिन काफ़ी टेस्टी है, राजश्री नाम से बहुत अच्छा खाना बनाया है इसने। बाकी चलते हैं यहाँ पे, हमारा तो बस स्टैंड तक जाने का पैदल प्लान था लेकिन ये बोल रहे हैं कि इलाका ख़राब है तो आप ऑटो वगैरह लेना, तो हम फोटो पकड़ के अभी जा रहे हैं। भाई इस बंदे को देखो कैसे फ़ोटो खिंचा रहा है, एक्शन देखो इसकी, वाह वाह वाओ नाइस वेरी नाइस छपरी, ओ माय गॉड इसने कहाँ हाथ रख लिया, बंदा फोटो ऐसे खिंचा रहा है ताजमहल के सामने खड़ा है और खड़ा कहाँ पे है, अन्नपूर्ण भोजनालय बसों के बीच में गांव का सा एरिया, साइड में अंबे सैंडविच और एक्शंस देखते हैं इसकी। यस इसको सारे लोग देख के हंस रहे हैं, इसको सारे लोग, हम भी हंस रहे हैं और हम भी हंस रहे हैं। विशाल तू हंसी हो बाकी भाई अपने बस का वेट कर रहे हैं, यही कहीं आएगी और ड्राइवर से बात की है तो आ जाती है बस पर बैठ के, तो कुछ सोना है और कुछ नहीं है, ना वीडियो बनाऊंगा ना कुछ, नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, ये तो सो लिया था दिन में मैं नहीं सताया, हाँ मतलब तू सो लिया मैं नहीं सताया, ये तो बोल रहा हूँ मैं। विशाल आदमी तो बढ़िया है, विशाल आदमी तो बेकार है लेकिन बात अच्छी कर लेता है, बेकार है बात अच्छी कर लेता है, क्योंकि हम वहाँ बैठे थे तो वहाँ से इसने बोला एक बार बस वाले को कॉल करके पूछ ले कि ऑफिस का है, तो उन्होंने बताया भैया 1 किलोमीटर दूर है तो हम वापस लौट के आए यहाँ पे, लेकिन यही बोल रहा हूँ कि आदमी बेकार है लेकिन बात बहुत बढ़िया कर लेता है। विजल क्या है, क्या है वो क्या लिख रखा है, कल्पना क्या लिखा है, कल्पना आगे कार्गो है कार्गो है भाई, फिलहाल मिल चुकी फिलहाल मिल चुकी है अपनी ऑफिस, देखते हैं अभी इसका भी कंफर्म नहीं हो रहा, कल्पना ट्रेवल्स है कल्पना कार्गो है, कार्गो में तो यार माल जाता है, पैकिंग थोड़ी ना होगी भैया, कल्पना ट्रेवल्स किधर है, बस वाला भी यही है, है? आ रही है क्या बस, माल भी आ रही हो, ठीक है भाई पूछते हैं इनसे एक बार चल के। तो भाई फिलहाल आ चुकी है अपनी बस, मतलब आज तो काफ़ी देर की गई थी लेकिन अभी बैठे हैं, और ये कैबिन है यहाँ से, ये सामने शूज रख रखा है बैग है, आगे शूज पैर भी पूरे फोल्ड हो रहे हैं और ये एसी पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे भी इतनी कमी है कि यहाँ पे भी लाइट नहीं जल रही। बाकी भाई चलते हैं, सुबह मिलते हैं, अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और जल्दी मिलते हैं विशाल के साथ में, मैं सर के साथ, सर तो घूमता ही है भाई, यहाँ पर बाहर का तो कुछ दिखेगा नहीं आपको, चलते सुबह पहुँचेंगे 5 बजे यहाँ पे, गुड नाइट भाई। क्या अमेजिंग जगह है ये बांसवाड़ा में, लाइटिंग वाइटिंग और सबसे ज़्यादा बेस्ट मेरे को प्यारी ये वाली लग रही है, तो जयपुर में भी है लेकिन यहाँ क्या एक तो पुलिया हाईवे मेन हाईवे रह गया ना, तो उस हिसाब से पुलिया भी बढ़िया तो लाइटिंग काफ़ी अच्छी लग रही है। भाई अभी रुके होटल पे और इतने अंधेरे में यहाँ बस रोकी है इन्होंने, हाँ आ रहा हूँ, हाईवे ऐसा है इस पर कोई व्हीकल चल ही नहीं रहा, और तो मैं एक चीज़ दिखाऊँ ये देखो विशाल 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 भाई फाइनली पहुँच चुके हैं दोनों जयपुर, बच गए विशाल
बता तो सही तेरा फीडबैक तो दे वहाँ का कैसा था। अब मिलते हैं आपको, अभी फिलहाल टाइम हो रहा है 6:15 और हम पहुँच चुके हैं जयपुर। मुझे तो नींद आ गई थी, विशाल ने उठाया था, और मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट ट्रिप के साथ में, कहाँ का है, कहाँ का प्लान नहीं है। तो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टाटा, सी यू, मिलते हैं।